और वहीं चीन के सबसे बड़े शहर शंघाई में एक बार फिर से कोरोना विस्फोट हुआ है, जहां पर पिछले 24 घंटे में 9000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। और चीन ने शंघाई में कोरोना कंट्रोल के लिए इस वक्त सेना को उतार दिया है, यानी शंघाई की पूरी आबादी का सामूहिक कोरोना टेस्ट होगा। शंघाई की आबादी 2,60,00,000 के आसपास है और एक साथ सामूहिक तौर पर ग्रुप में कोरोना टेस्ट लोगों का किया जाएगा, जिसके लिए 20,000 से ज्यादा डॉक्टर्स पूरे चीन से इस वक्त पहुंच चुके हैं शंघाई। जी हाँ, देखिए पूरी दुनिया को कोरोना से राहत मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन वो मुल्क जिसने कोरोना फैलाया वो बेहाल है। शंघाई बना वुहान, लाशें छुपा रहा है ड्रैगन, ये इस वक्त की स्थिति है। शंघाई में इस वक्त बर्बादी जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। चीन ने शंघाई में कोरोना कंट्रोल के लिए सेना को उतारा है, इस तरह से संक्रमण जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पीएलए के 2000 जवान और डॉक्टर्स शंघाई पहुंचे हैं ताकि किसी तरह से हालात को कंट्रोल में किया जाए, बढ़ते संक्रमण पर लगाम लगाई जा सके। पूरे चीन से 15,000 डॉक्टर्स की टीम भी शंघाई पहुंची है हालात पर काबू करने के लिए। और शंघाई के 2,60,00,000 लोगों की अब टेस्टिंग होगी। ये मुसीबत का काम है, लेकिन इसे अंजाम देना ही होगा चीन को, क्योंकि शंघाई में कोरोना संक्रमण पर काबू पाना बहुत जरूरी हो गया है। कोरोना मरीजों और मौत का आंकड़ा छुपा रहा है चीन, और दुनिया को यह बताने के लिए तैयार नहीं है कि कोरोना वो बीमारी जिसे चीन ने फैलाया, वो बीमारी अब चीन को ही कैसे कर रही है बर्बाद। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।